दोस्तों जय हिंद। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय और सबसे सक्सेसफुल फैंटेसी लीग है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के लोगों में जितनी ज्यादा दीवानगी क्रिकेट को लेकर के है, शायद ही किसी और खेल को लेकर के कभी रही होगी। दूसरी बात, आईपीएल में बहुत ही ज्यादा पैसा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें खेलना पसंद करते हैं। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कई बार आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं, जबकि कुछ टीम ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी टीम कब कब और कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। 2008 का आईपीएल का फाइनल जो खेला गया था, वो खेला गया था नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 3 विकेट से हरा दिया था। इस टूर्नामेंट में यानी इस मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूसुफ पठान को मैन ऑफ द मैच और शेन वाटसन को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। बात करें 2009 के आईपीएल फाइनल की, तो यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें कि डेक्कन चार्जर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। वहीं पर जब आरसीबी 143 रनों का पीछा करने उतरी, तो वो मात्र 137 रन ही बना सकी 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। इस प्रकार डेक्कन चार्जर्स ने 2009 आईपीएल का फाइनल जीत लिया। अनिल कुंबले को मैन ऑफ द मैच और एडम गिलक्रिस्ट को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। तो बात करें 2010 आईपीएल फाइनल की, तो इसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 168 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। वहीं पर जब मुंबई लक्ष्य का पीछा करने उतरी दूसरी पारी में, तो मात्र 146 रन बना सकी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता। सुरेश रैना को मैन ऑफ द मैच और सचिन रमेश तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। तो बात करें 2011 आईपीएल फाइनल की, तो यह आरसीबी और चेन्नई के बीच खेला गया था, जिसमें कि चेन्नई ने आरसीबी को 58 रनों से हराया था। इस प्रकार चेन्नई की ये लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी थी। दोस्तों मुरली विजय को इस मैच में शानदार 95 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। वहीं पर क्रिस गेल को 608 रन बनाने और पूरे सीरीज में 8 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। बात करें 2012 आईपीएल फाइनल की, तो इसे केकेआर ने जीता था, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। और यह जो फाइनल हुआ था, यह चेन्नई के एमए स्टेडियम में हुआ था। चेन्नई लगातार तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चेन्नई यह फाइनल जीत नहीं पाई। दोस्तों सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मनविंदर बिस्ला को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। सुनील नारायण को यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 पारियों में शानदार 24 विकेट लेने के लिए दिया गया था। 2013 का आईपीएल फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था कोलकाता के ईडन गार्डन में। दोस्तों जिसमें कि मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 149 रन बनाए थे। दोस्तों वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स 149 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई मात्र 20 ओवर में 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी थी। इस प्रकार चेन्नई 23 रन से यह फाइनल हार गई थी। शेन वाटसन को असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज और किरण पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। तो 2014 का आईपीएल फाइनल किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, जिसमें कि कोलकाता को 200 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जिसे कि कोलकाता ने 3 गेंद शेष रहते ही पूरा कर लिया था। इस मैच में मनीष पांडे ने शानदार 94 रन बनाए थे मात्र 50 गेंदों में, जिसके लिए कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया था। वहीं पर 16 पारियों में 552 रन बनाने वाले मैक्सवेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। 2015 का जो आईपीएल फाइनल था, वह कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था, मुंबई और चेन्नई के बीच में। जी हां दोस्तों, मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 202 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स जब 202 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो 20 ओवर में 8 विकेट नुकसान पे मात्र 161 रन बना सके। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच और आंद्रे रसल को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। 2016 का आईपीएल फाइनल बेंगलोर में खेला गया था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला गया था। एक बार फिर से आरसीबी लक्ष्य का पीछा करने में सफल नहीं हुई थी। आरसीबी 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में मात्र 200 रन बना पाई थी। इस प्रकार
सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता। बेन कटिंग को प्लेयर ऑफ द मैच और वहीं पर विराट कोहली को 16 पारियों में 973 रन बनाने के लिए, जिनमें कि उनके 4 शतक शामिल थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था। 2017 का आईपीएल फाइनल मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेला गया था। दोस्तों, यह बहुत ही कम स्कोर वाला मैच था, जिसमें कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए थे। जवाब में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स मात्र 128 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। इस प्रकार यह मुंबई की तीसरी जीत थी। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया उनके शानदार 316 रन और 12 विकेट के लिए। साथ ही कुणाल पांड्या को शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। 2018 का आईपीएल फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद की टीमें भिड़ी थी, जिसमें कि हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए थे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मात्र 2 विकेट खो करके 9 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को पा लिया था। शेन वाटसन को प्लेयर ऑफ द मैच और सुनील नारायण को शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था। 2019 का आईपीएल फाइनल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ था, जिसमें कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फाइनल में पहुंची थी, जिसमें कि मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। वहीं पर जब चेन्नई की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मात्र 148 रन ही बना सकी 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। इस प्रकार मुंबई ने एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया था। 510 रन और 11 विकेट के लिए आंद्रे रसल को प्लेयर ऑफ द सीरीज और जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। 2020 का आईपीएल फाइनल दुबई में खेला गया था, जिसमें कि दो टीमें थी, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 156 रन बनाए थे, जिसमें कि श्रेयस अय्यर ने 65 रन और ऋषभ पंत ने 56 रन बनाए थे। वहीं पर जब मुंबई की टीम बैटिंग करने आई तो रोहित शर्मा, क्वांटन डिकॉक और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी के कारण उन्होंने इस स्कोर को आसानी से चेस कर लिया और इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच और जोफ्रा आर्चर को शानदार बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। बात करें आईपीएल के 2021 के फाइनल की, तो यह भी दुबई में खेला गया था, जिसमें कि दो टीमें थी, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसमें कि चेन्नई की टीम ने कोलकाता को 27 रन से हरा दिया था। इस प्रकार चेन्नई की टीम ने लगातार चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। हाफ डुप्लेसिस को शानदार 86 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और ऋतुराज गायकवाद को पूरे सीरीज में शानदार बैटिंग करने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। बात करें 2022 आईपीएल फाइनल की, तो यह राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था, जिसमें कि राजस्थान की टीम ने बहुत ही कम स्कोर किया था, मात्र 131 रन का स्कोर किया था, जिसको कि गुजरात टाइटंस की टीम ने मात्र 3 विकेट खोकर के ही पूरा कर लिया था। आईपीएल का यह फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। हार्दिक पांड्या के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था। वहीं पर जोस बटलर को शानदार बैटिंग प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था। इस प्रकार गुजरात टाइटंस, जो पहली बार आईपीएल खेल रही थी, उसने अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी भी जीत लिया था। इस प्रकार दोस्तों, मुंबई ने 5 बार, चेन्नई ने 4 बार और कोलकाता ने 2 बार, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स और गुजरात टाइटंस ने एक एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है। ये जानकारी थी कि 2008 से 2022 तक आईपीएल ट्रॉफी कब कब किस किस टीम ने जीता है और कितनी बार जीता है। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।